alaikum and welcome to Celebrity Lounge Season 2. Assalamu alaikum aur hum hain aapke host Nadia Hussain aur Asim Yar Kiwana. Ji aur aapke saath aaj bahut hi interesting aur bahut hi maze ka episode lekar aaye hain. Nadia, aaj ka show jo hai wo bahut maze ka show hai. Sabse pehle to main feedback ke bare mein discuss karna chahunga ki bahut bahut shukriya aapki jo feedback mil rahi hai. Aap hame जो गेस्ट लिस्ट का एक पूरा मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे जो आपकी रिक्वेस्ट आ रही हैं वो मैं और नादिया डिस्कस करते हैं और उसको डिस्कस करने के बाद हम उस गेस्ट लिस्ट को फाइनल करते हैं एंड देन वी इनवाइट दोज गेस्ट. तो थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक और आपको प्रोग्राम जो पसंद आ रहा है बहुत बहुत शुक्रिया उसका. जी बिल्कुल, आज जो हमारा शो है जिस तरह से आपने कहा कि बहुत एक्साइटिंग है और आपकी जो बहुत पसंदीदा सेलिब्रिटी हैं और सेलिब्रिटीज़ हैं उनको हमने आज बुलाया है और एक तो खैर कासिम आसिम के जो एक जो है वो आसिम के हाँ, मुझे यहाँ पे जंपिंग करने दो. आज का शो है ब्यूटी फॉर एवर यंग यूथ एंड स्मार्टनेस के बारे में, क्योंकि जो आज हमारे गेस्ट हैं ये दोनों बहुत ही व्हाट शुड आई से कॉन्शियस एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड फॉरएवर यंग एवरग्रीन द ग्लैमरस एंड वेरी स्मार्ट हैंडसम. मेरे तो एडजेक्टिव्स खत्म हो जाएंगे और हमारा शो खत्म हो जाएगा तो उनका इंट्रोडक्शन ही खत्म हो सकता. मेरे ख्याल में वी शुड टेक आवर सीजन बिगिन द शो. यस जी प्लीज. जी नादिया, तो जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे. पहले तो नादिया, जो आप इतनी स्टनिंग लग रही हैं ये बताइए कि होम आर यू वेयरिंग? आज जो है वो मैंने ज़ैनब चुटानी का आउटफिट पहना हुआ है और बहुत ही मुझे खूबसूरत लगा है. इट्स अ गॉर्जियस आउटफिट एंड ऑफ कोर्स इट्स ब्यूटीफुल लाइक प्रिंसेस. हां, वेरी रॉयल एंड रीगल. एंड जो आप स्टाइलिंग देखते हैं दैट इज बाय नादिया हुसैन सैलून, जो हमारे ऑफिशियल स्टाइलिंग सैलून है हमारे प्रोग्राम का. तो नादिया थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. तो जी अब हम अपने गेस्ट के बारे में कुछ मैं इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा. जो हमारी पहली गेस्ट हैं शी इज़ ब्यूटी विद ब्रेन्स. आप उनको काफ़ी अरसे से टीवी पे देख रहे हैं, वो बहुत कम आती हैं. शी डजंट गिव इंटरव्यूज, ना वो कभी मॉर्निंग शो पर आपको नजर आई होंगी. शी इज़ डन हॉलीवुड, शी इज़ डन अ मूवी इन पाकिस्तान ऑल्सो और मेरे ख्याल में जितनी मैं तारीफ करूँ वो उनके लिए कम है. और बिल्कुल, और इनके बारे में ख़ास तौर पे जो कहा जाता है और जो जाना माना है, ऑफ कोर्स ब्यूटी विद ब्रेन्स तो हैं ही, लेकिन जो उनका फॉरएवर यंग जो एक अपील है और जो फॉरएवर यंग एक एवरग्रीन उनकी ब्यूटी है, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी अपीलिंग टू एवरीबडी. हर कोई जानना चाहता है और हर कोई यही उनका सवाल होता है कि जी ये कैसे जो है वो बहुत खूबसूरत हैं माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत. और उनके साथ कौन है नादिया? उनके साथ तो खैर मेरे बहुत ही फेवरेट एक ऐसे वेडिंग प्लानर हैं और बहुत ही यंग स्मार्ट एनर्जेटिक एंड आई वुड से ही इज अ लेडीज मैन. ऑफ कोर्स, सो लेट्स इनवाइट द ब्यूटीफुल द स्टनिंग महनूर बलोच एंड कासिम यार टिवाना. कोर्स अपने गेस्ट के बारे में बताना चाहूंगी कि महनूर और कासिम जो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं. ऑफ कोर्स इनकी जो दोस्ती है वो उसकी भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. बिकॉज महनूर पहले मेरी दोस्त थी और मेरे साथ ये गई थी मलेशिया, तो वहां पे इसका मेरी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो बीच में आया QYT एंड आई थिंक इट्स बीन ओवर 12 इयर्स नाउ महनूर, राइट? कि तुमने फिल्मी कहानी छोड़ दिया है. फिल्मी कहानी है, फिल्मी का तो आप अपनी अपनी जबानी सबसे पहले तो नादिया थैंक यू सो मच महनूर एंड QYT यू नो फॉर कमिंग ऑन आवर शो. बहुत शुक्रिया कि आप कहीं नहीं जाती, यू नो यू डोंट गिव इंटरव्यूज एंड यू हैव बीन सो काइंड दैट यू हैव कम ऑन आवर शो. यस थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस. तो अपनी अपनी दोस्ती की जो कहानी है वो हमें बताएं. दोस्ती की कहानी जैसे इन्होंने बताया यही थी कि कभी कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होनी चाहिए वरना तीसरा बीच में आ जाता है. तो यहाँ पे तीसरा आ गया. तीसरा है, तीसरा आ गया. उन्होंने उन्होंने जो है वो टेक ओवर कर दिया. टेक ओवर. अच्छा, तो महनूर ऑफ कोर्स यू बीइंग कंसीडर्ड द ब्यूटी विद ब्रेन्स,
तो आपको जो है वो ज्यादा व्हाट इज इट दैट यू फील कि आपको ज्यादा जो है वो किस चीज से अपील आपको ज्यादा होती है पर्सनली फॉर द ब्यूटी और फॉर द ब्रेन्स पार्ट. आई थिंक पीपल लोग मुझे इतना पर्सनली जानते नहीं हैं. उसकी वजह एक तो ये है कि मैं इतने इंटरव्यूज नहीं देती एंड आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन. मुझे जो है मैं ज़्यादातर अपनी पर्सनल लाइफ ज़्यादा डिस्कस नहीं करती हूँ. तो एंड देन मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग के जो यहाँ होते हैं टॉक शोज कह लें जिस पे मैं नहीं जाती बिकॉज ऑफ वन रीज़न इज़ दैट वी हम लोग अब ज़्यादातर उस पे जिस तरह का मटेरियल होता है ना वो मुझे अपील नहीं करता. नहीं अपील करता है तो लोग मुझे आई थिंक इतना जानते नहीं. और जो लोग मुझे जानते हैं जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनसे अच्छी कॉन्वर्सेशंस होती हैं तो बेसिकली आई फील कि वो तो फिर उसके आगे देख रहे होते हैं ना कि आप कैसे लग रहे हो क्या है. फिर तो आपकी एक पर्सनैलिटी होती है आप जो बात करते हो. सो यू वुड रादर बी नोन मोर फॉर योर ब्रेन्स देन योर ब्यूटी ऑफ कोर्स. आई थिंक आई वुड लाइक टू बी नोन एज अ पर्सन यू नो आई मीन उसमें आप जो भी आ जाए ब्रेन्स आ जाए ब्यूटी आ जाए व्हाटएवर आ जाए बट मुझे ऐसे लगता है दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग. तो क्या चीज जो है वो ज्यादा अपील करती है आपको पर्सनली जिस तरह किताबें हो गई मूवीज हो गई ड्रामे हो गए. आई लाइक रीडिंग. मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है बहुत ज्यादा शौक है. मतलब मुझे मैं मेरे ख्याल से हफ्ते में एक किताब खत्म कर ही लेती हूँ और कभी कभी तीन दिन में भी कर लेती हूँ. किस किस्म का किताबों की थीम होती है या बायोग्राफीज पढ़ती हो कि रोमांटिक को पढ़ती हो कि थ्रिलर है या किस किस्म का. नहीं वो डिपेंड्स ऑन माय मूड उस वक्त जो मेरा उस वक्त मूड हो रहा होता है. बट मैं फिक्शन भी पढ़ती हूँ लेकिन मुझे जो है वो अब आई डोंट नो वो मेटाफिजिक्स को क्या उर्दू में बोलते हैं जो भी बोलते हैं. अच्छा क्यों भाई जी मुझे ये बताओ. इसने मुझे लेट मी क्लैरिफाई आसिम ने मुझे शुरू से कहा किताबों की बातें नहीं करें. अच्छा तो मुझे तो नहीं बोला उसने. हाँ मुझे ये काम किताबों की बातें नहीं करेंगे तो मैं इसको यही कह रही थी कि मैं फिर क्या बातें करूं. इतनी सकील गुफ्तगू नहीं हम आपसे बहुत मजे मजे की बातें करेंगे. तो आप QYT से क्या पूछना चाह रहे हैं. QYT जो है ऑफ कोर्स आप जो है वो बहुत ही खूबसूरत वेडिंग्स प्लान करते हैं अरेंज करते हैं और लाविश किस्म का सेटअप होता है. तो ये इसका शौक कहाँ से शुरू हुआ और माशाल्लाह यू सक्सीडेड सो वेल. इतनी जितनी भी हम आपकी तस्वीरें देखते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे वो आई मीन प्रिंसेस वेडिंग से कम नहीं होती है. बस थैंक यू सो मच. पहले आपने इतनी तारीफ की. दूसरा ये है कि मेरी अम्मी को बड़ा शौक था तो बेसिकली मैंने जो भी इनहेरिट किया टैलेंट वो मैंने उनकी तरफ से किया है. आसिम भाई की तरफ से कुछ नहीं किया. और बाकी ये है कि क्रिएटिव माइंड जो होती है वो कुछ ना कुछ नई आइडियाज़ और इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं. बाकी ये था कि मुझे शुरू से ये फूलों से और ये आर्ट की चीज़ों से बहुत शौक था. इनको फैशन और फिल्मों से और इनसे बहुत लगाव था और मुझे ज़रा इन चीज़ों में बहुत वेरी फिल्मी नादिया इसीलिए मेरी इससे ज्यादा बनती है क्योंकि ये ज्यादा आर्टी है. या आई एम प्रोबब्ली नॉट दैट मच इनटू फैशन. और अच्छा महानूर आपने फ्यू इयर्स अगो एक फिल्म भी की थी पाकिस्तानी तो उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ उसमें जो आपका कैरेक्टर था और जो आपके सॉन्ग्स थे बहुत सिज़लिंग नंबर एक था और एक रोमांटिक भी था. तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस. इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. मुझे मैंने वो फिल्म की इसलिए थी कि उसमें दो गाने थे जो मुझ पर पिक्चराइज होते हैं एंड मैंने उसमें मेरे ख्याल से 8-10 सीन अपने कटवा खुद ही दिए थे. अच्छा बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड. बेसिकली मेल ओरिएंटेड फिल्म थी तो यू नो मैंने यही कहा था कि अगर गेस्ट अपेयरेंस करनी तो ठीक है एज लॉन्ग एज दीज सॉन्ग्स आर देयर. क्योंकि मुझे फॉर मी दैट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करने का शौक है तो आई ट्राइड इट आउट एंड आई रियली लव्ड डांसिंग. ऑफ कोर्स आई रिमेंबर नादिया यू नो आई हैड अ सर्जरी फ्यू इयर्स अगो. तो महानूर मुझे रोज मिलने आती थी यहाँ पे कराची में और उस वक्त ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी एंड शी वाज सो एक्साइटेड तो हमें मुझे ये वीडियोस दिखाती थी. अच्छा फिर दो तीन हम फ्रेंड्स बैठ के ना हम इसको पूरा फीडबैक दे रहे थे कि अच्छा इस शॉट में तुम ऐसी लग रही हो यहाँ पे तुम ऐसी लग रही हो तुम्हें ये करना था. सो दैट्स द ओनली थिंग आई एंजॉय. लाइक मैंने आई
didn't care much about the scenes or whatever. It's this, मुझे सब कहते हैं क्या फर्क है, फर्क मुझे तो कोई उसमें भी सीन करो वैसे ही लगता है, ड्रामे में करो वैसे ही लगता है. हाँ, अगर उसमें थोड़ी सी डांसिंग हो जाती है. वो that was fun. That was basically मेरे साथ ये है कि like I'm here इसके आप इंटरव्यू पे एंड मैं कासिम को कहती हूँ I love laughing. मुझे हंसने का बहुत शौक है. तो मुझे फन जहाँ नजर आता है ना तो आई एंजॉय माई सेल्फ देयर. आई थिंक मैं काम भी इसलिए कम करती हूँ बिकॉज बहुत कम लोगों के साथ जहाँ मुझे मज़ा आ रहा हो. मुझे मालूम है कि महनूर के साथ जब वो इतना सेट पे मज़ा आता था और जिस किस्म की बातें और जो जोक्स और क्रेजी किस्म का फन होता था हमेशा. हैव अ लॉट ऑफ फन. बिल्कुल. चलिए जी, वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक. इसके बाद फन के मैंने पूरा एक खबरनामा भी आपको पढ़ के सुनाना है. तो आप कहीं मत जाइएगा. वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक और अभी आ रहे हैं और हमारे साथ महनूर एंड QYT. ये क्या है जरा देखो तो. लव लेटर. सच बताओ किसने लिखा? मारवी को लव लेटर किसने लिखा था? इनके अब्बा ने. जिंदगी के सब लम्हे यादगार होते हैं, लौट कर नहीं आते, एक बार होते हैं. Welcome back after the break and we have the gorgeous Mahnoor Baloch and QYT. बिल्कुल जी. हाँ, और हम लोग बात और नादिया, मैं ये बताऊं कि जब मेरे एक्साइटमेंट लेवल होता है ना तो उस वक्त ये हशर होता है कि मेरे पसीने निकल रहे होते हैं गर्मी की वजह से, मैंने जैकेट उतार दी है. महनूर आपका कितना प्रेशर है? Why is it so? इतना प्रेशर? हाँ, या ये आपका आपका प्रेशर है, ये मौसम का है? ये तो आप ही बताएंगे मुझे. मेहारे महनूर का प्रेशर है. आप कुछ पूछना चाह रही हैं महनूर से? नहीं, महनूर से जो इनिशियली जो हम जो जो बात जहाँ से छुट्टी थी वो फन के बारे में छुट्टी थी. हाँ, तो फन की जो बात जहाँ से मुनकता हुआ था हमारा सिलसिला, तो अब जो हमारा सेगमेंट है इट्स अ वेरी फन सेगमेंट. For who? For you. Yeah. हाँ जी. That I will decide after. Okay. It's called audition activity. इसमें ये होगा कि we'll show you some clips of your plays और उससे related हम आपसे सवाल करेंगे. ठीक है जी. और 5 questions आपसे होंगे और 5 QYT से होंगे. ठीक है. ये बिन मौसम बरसात कैसी? अच्छा. ये क्या है जरा देखो तो. लव लेटर. सच बताओ किसने लिखा? मारवी को लव लेटर किसने लिखा था? इनके अब्बा ने. इनके अब्बा का लेटर था? हाँ. जी. बाबा ने. बाबा बाबा ने. वाओ. चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ये क्या कह रही? हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ कि उसका खत आया था. वो बहुत अच्छा लड़का है. मैं चाहूंगी कि तुम कभी से मिलो. उसके टेस्ट भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं. मेरे ख्याल से बिल्कुल अपने जैसे लोगों से मिलना बड़ा बेमकसद सा और फजूल सा काम. मेरी खातिर मिलो मुझसे. तुम्हारी खातिर? तुम्हारे दोस्त से? इस सीन में आपके को-स्टार कौन हैं? ये जो खड़े साथ? हाँ जी. समी. हाँ जी, प्ले कीजिए. समी. वाओ, वेरी नाइस मानू. आई नो, नाइस मेमोरी. सो Let's see clip number 3, please. आमिर कहाँ है? वो आमिर, आमिर, आमिर. हाँ, इस घर में ऊंची आवाज से बोलना मना है. इस घर में घुट घुट के जिंदा रहने की तो इजाजत है मगर अलग से आवाज निकालने की इजाजत नहीं है. एहतजाज करने की इजाजत नहीं. ठीक कहा तुमने, इस घर में घुट घुट के मरने की इजाजत है घर एहतजाज करना मना है. ये दोनों किरदारों के आपस में क्या रिश्ता है? हाय प्लीज, अब ये तो मुझे पता ही होगा ना. अच्छा, यू रिमेंबर? हाँ, ऑफ कोर्स. आई रिमेंबर. इट्स नॉट लाइक दिस वाज अबाउट 100 इयर्स अगो. क्या है वो आपकी? हाँ, क्या है आपकी? ये मैं इनकी सौतन हूँ. सौतन है. अच्छा.
लेट्स सी जी क्या जवाब है. सौतन. वाह हाय अल्लाह ये तो मेरी पहली प्रोडक्शन. मेरा कोई घर नहीं. जहाँ रहती थी जहाँ पैदा हुई वो भी एक जहन्नुम था साहब. इस सीरियल के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का नाम बताइए. मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ. हाँ जी लास्ट क्लिप प्लीज. इस सीरियल के डायरेक्टर का नाम बताएं. बिकॉज़ ये आफरीन की प्रोडक्शन थी. दिस आई नो बोथ ऑफ दीस प्लेस. इसमें दो मैंने काम किया था. आफरीन बेग की प्रोडक्शन थी. आई एम नॉट श्योर इफ शी वाज अ डायरेक्टर. सो लेट्स सी. बिकॉज़ करीब करीब हुए थे. ओके आफरीन बेग. वाओ गुड वेरी वेल प्लेड. चल जी क्यू वाईटी के वो देखते हैं क्लिप्स. आखिर क्यों आजाद नहीं कर सकते आप उसको. क्या हक था तुमको ये सब करने का. महज इसलिए कि वो तुम्हें पसंद आ गई. इस सीन में महानूर के को एक्टर कौन हैं. दो थे. ये मुझे देख के ना सब कुछ भूल जाता. भूल जाता. मुझे सिर्फ महानूर महानूर नजर आते हैं. नुमान इजाद एंड कैसर कैसर निजामानी. निजामानी. जी लेट्स सी. नहीं दैट वाज माय ब्रदर. हाँ तो को एक्टर वो था ना. अच्छा आई थॉट ऑपोजिट कह रहे हो. ओके अच्छा जी नेक्स्ट क्लिप. क्या अब तुम कोई 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 फिल्मी किस्म की कुर्बानी देने के चक्कर में. क्या है ये सब. मेरा फैसला बहुत मैच्योर है. मैं जानती हूँ कि मैं क्या करूँ. और वैसे भी मेरे सामने बहुत से मकासद हैं जो मुझे हासिल करने हैं. आई वॉन्ट टू अचीव माई गोल्स. गालिबन तुम ये बताना चाहती हो कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद करो. इसका क्या नाम है इस ड्रामे का. आई थिंक आसमान के नीचे समथिंग रिलेटेड टू आसमान था. अच्छा लेट्स सी आसमान. दूसरा आसमान. सी वाओ खुले आसमान. पता है ली मैं जानबूझ के घड़ी की तरफ नहीं देखती हूँ कि कहीं देर हो गई तो मुझे सोना पड़ेगा फिर मेरा सारा काम अधूरा होगा. सवाल ये है कि अली का कैरेक्टर किस एक्टर ने किया था. शहजाद रॉय. लेट्स सी. वाओ उन्होंने सिंगिंग शुरू की थी कि नहीं. या ही वाज ऑलरेडी अ सिंगर. अच्छा इस सीरियल में हुमायूं सईद के अलावा मानू बलोच के दूसरे हीरो कौन थे. अदनान से देखी. वाओ लेट्स सी. But he is your very good friend, Manur. देखो कितना उसको पता है. मैं हैरान हूँ. हाँ. हुमायूं सईद, मानूर बलोच और अदनान सिद्दीकी. ये इस सीरियल के का नाम बताइए. आई थिंक ये शिद्दत था. शिद्दत. लेट्स सी. शिद्दत. वाह वेरी गुड. यू बोथ आर वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग. अच्छा माधुर अभी रिसेंटली आपने बहुत गैप के बाद एक सीरियल किया फहीम बर्नी के साथ. जी. तो जिसमें फिर मैं और कासिम आपसे मिलने मरी भी आए थे. व्हाट अ लवली ट्रिप इट वाज. या तो मतलब एक तो इतने गैप के बाद व्हाट मेड यू डिसाइड कि आपने दोबारा काम शुरू करना है. एक तो फहीम. You don't know Fahim. Mm-hmm. Fahim जब पीछे पड़ जाता है ना तो इंसान कुछ नहीं कर सकता. वो इतना persistent, वो इतना पीछे पड़ जाता है कि आखिर में you have to say yes. और okay. और या फिर आप अपने को suicide कर लो या हाँ कह दो. तो मैंने हाँ कर दिया. दूसरी रीज़न ये थी like I told you Fahim is a very fun loving person. वो सेट पे हम लोग का मेरे ख्याल से वो सुबह से हंसना शुरू करते थे तो एंड तक हंसी. मेरे ख्याल से वो एक महीना में सिर्फ हंसी हूँ. तो मुझे इट्स वेरी थेरेप्यूटिक. मुझे बहुत मजा आता है. मैं अगर स्क्रिप्ट अच्छा हो तो वो तो खैर और अच्छी बात है. लेकिन ऐसा भी हुआ है कि अगर स्क्रिप्ट बहुत अच्छा हो
और टीम मुझे पता है कि ये मैं इन लोगों के साथ बिल्कुल आई विल नॉट डू इट बिकॉज मेरी मेंटल हेल्थ मुझे बड़ी प्यारी है जो कि पहले नहीं थी लेकिन अब हो गई. अच्छा तो कासिम आप बताएं कि जिस तरह महनूर तो खैर बहुत ही सिलेक्टिव काम करती है, व्हाट इज़ योर तरीक़ेकार, आपका क्या है काम में कि आप भी बहुत सिलेक्टिव काम करते हैं कि अगर कोई भी क्लाइंट हो उनकी कैसी भी रिक्वायरमेंट हो तो आप उनको फुलफिल करते हैं? जैसे कि 12 साल से अब इनसे दोस्ती है तो आई थिंक इनका काफ़ी असर मेरे ऊपर भी हो चुका है. वो ये होता है कि क्लाइंट्स तो माशाल्लाह बहुत आते हैं और फ़ोन करते हैं और इवेंट्स के लिए उनको मेरा काम पसंद आता है, लेकिन मुझे भी ये होता है कि मेरा तो होता है 2 दिन का काम, लेकिन ये होता है कि क्लाइंट्स को देख के पता चल जाता है कि ये अच्छे क्लाइंट्स हैं या बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं. जो बहुत अच्छे होते हैं मैं फिर उनके इवेंट्स करता हूँ बड़े खुशी खुशी से, क्योंकि कई क्लाइंट्स जो अच्छे वाले होते हैं वो थोड़े से ज़रा डिफिकल्ट भी हो जाते हैं. तो मतलब कि वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए ना. हाँ, क्योंकि क्योंकि आपको इवेंट मैनेजमेंट और ये वेडिंग का जो काम है ये बहुत स्ट्रेसफुल काम है. एक टाइम के ऊपर आपको हर चीज रेडी करके देनी और उनकी उनकी और उनकी विश लिस्ट के मुताबिक और सब कुछ. वो तो हम हमेशा करते हैं. हमारी कंपनी जो है QYT वेडिंग्स एंड QYT इवेंट्स इज नोन फॉर द क्वालिटी, लेकिन ये है कि मैं चूजी हूँ अपने इवेंट्स के बारे में. कम काम करता हूँ तो इसीलिए मैं अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं करता नहीं हूँ. महीने में बस 3 या 4 इवेंट्स करता हूँ और उसी में मैं इन्जॉय भी करता हूँ. कई लोग बहुत कहते हैं कि हम तुम्हें बिजनेस भेजते हैं, जैसे मेरे फैशन डिज़ाइनर्स हैं कई, वो क्लाइंट्स भेजते रहते हैं. तो जिस तरह हम उनको भेजते हैं ब्राइडल्स के लिए, ज्वेलरी के लिए, तो वो कहते हैं कि हम तुम्हें भेजते हैं, तुम आगे से ना कर देते हो. हाँ. तो मैं कहता हूँ कि बस अब, क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है वो अपने ज़रा फर्क तरीके से मूडी थोड़ा सा होता है, लेकिन ये होता है कि मैं अच्छे इवेंट्स जब मिलते हैं तो मैं करता ज़रूर. चलिए अब इस मूडी बात के साथ हम एक मूडी ब्रेक ले लें. हाँ जी, ताकि मैं अपने बाल थोड़े से सुखा लूँ बिकॉज बहुत गर्मी हो चुकी है यहाँ पर. क्यों मानूर? तो जी वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक. मानूर एंड QYT हमारे साथ हैं, तो आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा. आप देख रहे हैं सेलिब्रिटी लाउंज सीजन 2. मेल एक्टर मेल भी यही है. Oh, what a beautiful laughter. जी welcome back. और मानूर के laughter से वापस आए हैं और बहुत मजे. ब्रेक में भी आपको पता है कि इस तरह बातें चल रही होती हैं. तो जी नादिया, अब महानूर और QYT को एंटरटेन करने का, महानूर इस शर्त पर आई थी कि जैसे मुझे कहा था कि जी मुझे एंटरटेन किया जाए. सो द क्वीन विक्टोरिया द प्रिंसेस के लिए तो मैं शर्त ये कि आप मुझे एंटरटेन. हाँ मैं भी अभी करूंगा. अभी फिलहाल जो है जो हमारा सेगमेंट है आज की, जो हमारी आज खास की जो है, शी इज अ रेनाउंड आर्टिस्ट. और ये मेरी पर्सनल फरमाइश पे महानूर का एक प्ले था विच इज कॉल्ड जिंदगी. उसमें ये जिंदगी, तो उसमें मेहनाज बेगम ने बहुत ही अच्छा गाना गाया था. तो वो हम आपके लिए क्या कहें, प्ले का नाम भी नहीं, जिंदगी जिंदगी है तुम्हारी, अभी तुम्हें याद आ जाएगा. ये है आज जो है वो उरूसा जो है हमारे साथ है मौजूद, और वो मेहनाज की इनफैक्ट कजन भी हैं और उनके रिश्तेदार भी हैं. तो हमने खास उरूसा को बुलाया कि जो ये जिंदगी का जो ट्रैक था वो हमें आज वो सुनाएंगी. तो लेट्स इनवाइट अरूसा अली जी. Bye.
What a lovely performance. जी बहुत ही अच्छा आपने perform किया. कैसा लगा इतना ये song कैसा लगा आपको perform करना? Very difficult. अच्छा मुश्किल था? Very. अच्छा तो कैसा लगता है कि जब आप अपनी cousin मेहनाज बेगम के गाने गाती हैं? Feelings कैसी होती हैं आपकी? बहुत मुश्किल है उनके गाने गाना. नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा perform किया क्योंकि ये song जो था ये मेरा personally बहुत favorite था मानूर. अब आपको शायद याद आ गया होगा कि ये बहुत अच्छा आपका पीटीवी से प्ले था उसका ये ट्रैक था. आई रिमेम्बर दैट. चलिए थैंक यू सो मच. व्हाट अ लवली परफॉर्मेंस. थैंक यू. बुशरा अंसारी लेजेंड. ओके हुमायूं सईद बेशरम. अगर आपकी याददाश्त चली जाए तो किसको सबसे पहले आप भूलना चाहते? तो याददाश्त ही चली गई तो किसको क्या? बस फिर तो गई. कौन सी जमाने की फिल्म है? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और अब हमारा लास्ट सेगमेंट है विच इज़ कॉल्ड हॉटस्पॉट. इसमें महानूर एंड क्यूआईटी आप तो पहले खड़ा आ चुके हैं हमारे शो पे. इसमें क्या होता है कि वी आस्क 10 क्वेश्चंस ईच अपने गेस्ट से और उसमें उसके बाद जो हमारी ग्रैंड ज्यूरी है नादिया हुसैन एंड एवाईटी वी डिसाइड दैट हु द विनर इज. और ये आप देख रहे हैं कि ये जितनी ब्यूटीफुल बास्केट मैं इस्लामाबाद से लाया हूँ विच इज़ फुल ऑफ चॉकलेट्स एंड यू नो गुडीज और बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें हैं. तो अब इसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा. ठीक है जी. तो आप दोनों तैयार हैं? सो वी विल स्टार्ट विद क्यूआईटी. तो कासिम आर यू रेडी? यस. ओके. तीन चीजें महानूर बलोच के बारे में जो अब तक एज सच कोई नहीं जानता. एक के शी लव्स ट्रैवलिंग. दूसरा शी इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन. सिंपल सी दो ही चीजें हो सकती है मेरे बारे में. एक चीज आपके दिमाग में आती है जब मैं ये आप एक लफ्ज बोलूंगी तो आपके दिमाग में क्या आता है? अवार्ड सेरेमनीज. मेरे दिमाग में आता है अवार्ड सेरेमनी. हाय. इनके दिमाग में आता है? इनके दिमाग में नहीं, आपके दिमाग में. नहीं मैं कह रहा हूँ इनके दिमाग में हाय आता है. तो मैं ये कहूंगा कि एवरीबॉडी फाइटिंग फॉर द फ्रंट रो. फ्रंट रो. ओके. यस. New movie hit heroines? No masala. Okay. Fashion week? Boring, very boring. A film जो आपने recently देखी हो जो बहुत overrated है? वैसे आजकल जितनी movies आ रही हैं सभी overrated हैं. उनको इतना promote करते हैं और इतना दिखाते हैं कि इतनी hit हो गई है और होती वो उसमें कुछ भी नहीं होता. अच्छा. आपको rank करना है in order of talent, ठीक है? Mahira, Saba Qamar, Mehvish Hayat, Sanam Saeed. Sanam Saeed, Saba Qamar. Mahira and Mehvish. आपके ऊपर कोई सबसे जो silly किस्म की pickup line इस्तेमाल हुई हो? Once I was traveling New York airport पे एक औरत मेरे पास आई तो उसने आगे कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी fan हूँ, आप HS वाले हैं. तो आपने क्या कहा उसको? यही मुझे तो यही उसने कहा. तो pickup किस पे हो सकते हो ये बताओ. अब वो टोयोटा की पिकअप की बात कर रहे हैं. तुमने काफी पिकअप किया है मुझे. कौन सी लाइन की? अच्छा आपके पास ऐसी क्या चीज है खास जो और इवेंट मैनेजर्स के पास नहीं है? एस्थेटिक्स एंड रिस्पेक्ट. आपका अगला सवाल जी. रैंक द फॉलोइंग यंग एक्टर्स इन एक्टिंग एबिलिटी. फवाद खान, बिलाल अशरफ, एहसन खान. एहसन खान, फवाद खान एंड देन बिलाल. ओके. आप जो हैं ये क्राउन
जो एक उनका जो टाइटल होगा क्राउन का, ये आप किसको देना चाहेंगे? ठीक है, मिस ब्यूटीफुल स्माइल मानूर बलोच, ओके, मिस गॉसिप क्वीन नताशा हुसैन, मिस ब्लंट रेशम, ओके, ठीक है। आप सबसे ज्यादा फैन किन इन इन एक्ट्रेसेस में से किसके हैं, शहनाज शेख या मरीना खान? शहनाज शेख, एनी टाइम, आई लव शहनाज शेख। अगर आपको इन एक्ट्रेस के बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखनी होती तो उसका टाइटल क्या होता? मानूर बलोच, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। बुशरा अंसारी, लेजेंड, ओके, हुमायूं सईद, बेशरम। कौन? किसका? हुमायूं सईद। अगर इन एक्टर्स के या इन लोगों के फोन्स आपके पास आ जाएं, तो आपका क्या ख्याल है कि इनका जो लास्ट डायल नंबर है वो किसका होगा? आयशा सना, AYT, मेहरीन सैयद, अथर शहजाद, HSY, वो इनके जो एम्बेसडर हैं बिलाल अशरफ, बिलाल, ओके, और महनूर का किसका होगा? मेरा, मेरा, है ना? अच्छा, अब अगर आप किसी सुबह उठें और आप इन में, इन लोगों में कन्वर्ट हो जाएं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? शान, तो मैं बहुत सारे एड्स करूंगा और ढेर सारे पैसे बना लूंगा। मीरा, मीरा आप पागल हो जाएंगे। हाँ। खुशी में नहीं, मिक्स मिक्स, okay. खुशी भी गम भी, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी। आयशा सना, मैं पहले तो चीखूंगा ब्राइट करें और फिर मैं एक और वीडियो वायरल करूंगा जिसमें कहूंगा डार्क करें। चलिए जी, बहुत अच्छा, यू आर डन। वेरी नाइस, बस इसको दे दें हैम्पर, मैंने सोच लिया। अच्छा चलिए जी, आर यू रेडी? आपकी क्या एज थी जब आपकी शादी हुई? अल्लाह जाने। 16 साल। मैं तो क्या, आपकी फैमिली में इतनी कम उम्र में शादी होती है? क्यों की इतनी कम एज में? 16, महनूर? मैं हर चीज अपने टाइम से पहले करना चाहती थी। ओके, अच्छा, ऐसी 3 बातें कौन सी है जो हम आपके बारे में नहीं जानते? अब रियलिटी जरा हम चेक कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट, 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 वाओ, आई लव एंटरटेनमेंट, मतलब मुझे मिले। अच्छा, पाकिस्तानी फिल्म्स देखती है? नहीं देखती, बिल्कुल नहीं देखती। नहीं, फिल्म्स नहीं देखती ज्यादातर मैं। अच्छा, और प्लेज? नहीं। कभी आपने मोहब्बत की? बिल्कुल, इसी वजह से शादी की। मोहब्बत क्या होती है ये बताओ? मोहब्बत की डेफिनेशन तो मुझे, उसके लिए तो 2 प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। उसके 2 प्रोग्राम्स के बाद मैं जवाब दूंगी। What do you have that none of your contemporaries have? Good jeans, darling, good jeans. कौन सी जो पहनी हुई है आपने, या? ये भी। अच्छा, ये भी, ये भी और दूसरी जीन्स भी। ऐसा कौन सा रूमर है जो आपने अपने बारे में सुना हो जिससे आप excited? बहुत excited नहीं होती, हंसी आती है। अच्छा, बहुत बहुत, कोई एक बताइए, कोई एक बताइए। That I'm 55 plus, वो सबसे हंसी वाली थी, वो तो तुम्हें ही बताया था। उफ, एंड और भी, और तो बहुत ही मजे मजे के और भी रूमर्स। अच्छा, बहुत ही। अच्छा, ये बताइए आप मुझे कि खैर फिल्म्स नहीं देखती, मगर कोई ऐसी करंट एक्ट्रेस जिसमें आप मानूर बलोच को देखती हो? देखो, ये जो लाइक यू आस्क्ड हिम अबाउट एक्टर्स एक्ट्रेसेस, ही कैन कमेंट ऑन दिस बिकॉज ये उस फील्ड का नहीं है। फॉर मी टू कमेंट ऑन दिस इज नॉट राइट, यू नो। वो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी? गुड लुकिंग पेरेंट्स। Wow, very nice. Acha, complete the sentence. QYT is adorable. Oh wow. Acha, agar aapki yaadash chali jaye to aap agar aapki yaadash chali jaye to kisko sabse pehle aap bhulna chahenge? To yaadash hi chali gayi to kisko kya, bas phir to gayi nahi, aur uske baad ek jhatka lagega to yaadash wapas aa jayegi. Kaun si zamane ki film hai? Jhatka laga to yaadash ke jhatka. Jhatke. Acha, aapka favorite actor? Ryan Gosling. Favorite actress? Meryl Streep. Pakistan mein? Main. Aur actor? Main. Aur actress? Main. Male actor? Male bhi yahi hai. ढूंढ लो। वेल, वेरी वेल डन मानू।
थैंक यू। हाँ बहुत अच्छा है, अब हम डिसाइड करेंगे कि आज का विनर कौन है। नहीं मुझको इसको दो मेरी तरफ से, क्योंकि मैं चॉकलेट्स खाती इतना हूँ। हाँ जी, तो बहुत ही मुश्किल मरहले के बाद ये ज्यूरी जो है ये इस फैसले पर पहुंची है। क्या विल यू डू द ऑनर्स प्लीज? नहीं जी आप करें ना। तो जी आज के विनर हैं महानूर बलोच। बोला था, मुझे पहले ही पता था। थैंक यू। मगर आपको एक थैंक यू स्पीच देनी, इट्स लाइक एन ऑस्कर अवार्ड, यू वन अ गिफ्ट हैम्पर, सो दैट इज योर कैमरा, सो यू मस्ट डू अ थैंक यू स्पीच। थैंक यू सो मच। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे हैम्पर मिला है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, बताना नहीं पहले से पता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आई एम सो शॉक्ड। चले जी, थैंक यू सो मच। टाइम का पता ही नहीं चला, आप लोग हमारे शो पर आए। मानूर थैंक यू सो मच, आई रियली वांट टू थैंक यू एंड QYT हु स्पेशली केम फ्रॉम लाहौर एंड नादिया। थैंक यू एंड इट वाज रियली वंडरफुल जो बातें हुई और जो हमने महानूर का जो एक अलग रूप देखा और लोगों को थोड़ा सा दिखाया, एक ट्रेलर दिखाया, क्योंकि महानूर तो आती नहीं है ना आप शोज में आती नहीं है, तो लोग आपको फिर देखना चाहते हैं और आपको जानना चाहते हैं। तो महानूर आप इतना कम क्यों आती हैं, इसके बारे में तो बताती चाहिए। इसके बारे में ये मैं बता सकती हूँ कि मैं क्या बात करूँ, आई डोंट नो, मैंने बताया आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। और फिर नहीं काम से रिलेटेड, मतलब इफ यू आर प्राइवेट पर्सन पीपल वांट टू शो यू। हां जी ऑन स्क्रीन, नो ऑन स्क्रीन एज एन एक्ट्रेस एज एन एक्टर। पता है क्या है, आई विल टेल यू व्हाट, ऑनेस्टली मुझे ना आई वॉन्ट टू डू थिंग्स आई एंजॉय नाउ। मुझे जिस चीज़ में बहुत मज़ा आता है मैं अब वो करना चाहती हूँ। मतलब आई लव ट्रैवलिंग, मुझे बस बहुत सारी अलग अलग नई नई जगहों पे, नॉट द सेम प्लेस, मुझे बहुत शौक है कि मैं ट्रैवल करूँ, सो आई एम नाउ डूइंग दैट। एंड जैसे मैंने कहा कि अब मेरा दिल चाहता है मैं हंसूँ, एंटरटेन हूँ, अब यू नो आई वर्कड अ लॉट एंड आई थिंक लाइफ इज, जिंदगी में काम से भी आगे कुछ होता है, यानी आपको मतलब अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी और आप कर सकते हो तो व्हाई नॉट। और अभी रिसेंटली मानूर यू वर आप ट्रैवल कर रही थी फॉर 6 मंथ्स। ओह या। हाँ तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि हम यूजुअली जब ट्रैवल करते हैं नादिया तो वी गो फॉर अ वीक 10 डेज ऑन एंड ऑफ, आई वाज लाइक बैक एंड फोर्थ। या तो मैंने कहा कि 6 महीने के लिए तुम यूरोप गई हो, कहाँ गई हो कुछ पता नहीं। हाँ, बहुत मजा आया था। तो आप अपने दोस्तों के साथ प्रेफर करती हैं ट्रैवल करना या तो फैमिली के साथ या इट डिपेंड्स, फ्रेंड्स के साथ भी इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी आज से 3-4 साल पहले तो वो एक्सपीरियंस कुछ और ही चीज़ होती है। हम लोग वी वर 3 वेमेन एंड हम लोग को बहुत मजा आया, बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था। एंड फैमिली के साथ भी आई गो एंड फ्रेंड्स के साथ होते हैं दैट ऑल्सो इज वेरी अमेजिंग। चलिए थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया महानूर एंड QYT एंड नादिया। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। बिल्कुल जी, आपने आई एम श्योर शो जो है वो बहुत इंजॉय किया होगा। महानूर जो है वो इतना जो कम शोज में आती हैं उन्होंने आज इस शो को ग्रेस किया एंड आप लोगों ने जो है वो उनकी बातें सुनी और उनकी आई एम श्योर बातों को एंजॉय भी किया होगा। हम लोग बहुत मजाक करते हैं, कुछ अगर कोई ऑफेंस ना ले। हाँ नहीं नहीं, ऑब्वियसली सब कुछ एक हंसी मजाक, बिकॉज ये शो जो है ये एक बहुत ही लाइट मूड के ऊपर होता है। हम बैठ के कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं, चिटचैट कर रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक किसी और सेलिब्रिटी के साथ। QYT का भी बहुत शुक्रिया हम करना चाहेंगे। QYT तो हमारे, मुझे लगता है QYT तो लगता नहीं है, QYT इज पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड सो थैंक यू सो मच कासिम। एंड आप लोग जो है वो अब यू नो हमें अगले हफ्ते देखेंगे इसी शो पे इसी चैनल पर ओनली ऑन PGV होम। खुदा हाफिज़। And we'll take a selfie now. Roshni hai pyar
सूरत जहां।